गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, इट्स योर स्टडी टाइम। आर यू रेडी? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ्स। ओके, आप लोग मैथ्स में लास्ट क्लास में बहुत सा लाइन ड्रॉ करना, स्टेप ना, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह आप मैथ्स में लास्ट क्लास में सीखे। आज मैं आप लोग को बुक में बता रही हूँ लिखने के लिए। लुक हियर, कलर द नंबर 3। ओके, यहाँ 3 देखिए लिखा हुआ है, इसमें कलर करना है। यहाँ मैं कलर करके रखी हूँ, आप अपने बुक में इसी तरह कलर कीजिएगा। ओके, THREE 3 है ना। वंस अगेन, THREE 3। ये स्पेलिंग भी आप लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट, 3 कलर्स ऑफ ए ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में बच्चों आप लोग देखे हैं ना, 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, देखे आप लोग ट्रैफिक सिग्नल। तो देखिए यहाँ आपको बुक में ये ट्रैफिक सिग्नल है, उसमें 3 कलर्स है, 3 कलर्स ऑफ ए ट्रैफिक सिग्नल। ओके, नेक्स्ट, ट्रेस एंड राइट द नंबर केयरफुली। आपको यहाँ बहुत ही केयरफुली 3 पर पेंसिल ट्रेस करना है। यहाँ डॉट्स बना हुआ है, इस पर आपको पेंसिल ट्रेस करना है। तो देखिए मैं ट्रेस करके बता रही हूँ, पहले भी मैं आपको बताई हूँ बुक में, इसको फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। इस तरह से आपको ऐसे घुमाते हुए और इसको इस तरह घुमाएंगे तो ये 3 दिखाएगा। ओके, देखिए ये इस तरह से जहाँ डॉट्स बना है वहाँ आप पेंसिल वैसे ही चलाना है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट है, इसलिए इस तरह से पेंसिल को घुमाते हुए डॉट्स पर पेंसिल चलाएंगे। ओके, 3 इस तरह धीरे धीरे पेंसिल चलाएंगे। 3 पेंसिल चलाने में बच्चों आप लोग बहुत ही सावधानी से चलाइएगा। 3 हड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 यहाँ भी देखिए लिख रही हूँ, यहाँ आपको पेंसिल ट्रेस करना है, इसलिए मैं बता रही हूँ, आप अपने बुक में इसी तरह ट्रेस करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी ट्रेस करने के लिए दिया हुआ है। 3 3 ओके, यहाँ भी देखिए बता रही हूँ, इस तरह से घुमाते हुए इसको लिखेंगे। 3 ओके, अब ये देखिए, ये जो बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स है, इसमें मैं बता रही हूँ आपको लिख करके कैसे लिखना है। ये बॉक्स में भी आपको बिल्कुल सेम लिखना है ना, छोटा भी नहीं लिखेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखेंगे। ये जैसा लिखा हुआ है इसी तरह से इसको इस तरह एक बार घुमाएंगे और इसको एक बार इस तरह 3, फिर देखिए 3 3 THREE 3 क्या भी बता रही हूँ, इस तरह आप लिखेंगे है ना, बहुत ही केयरफुली बॉक्स में लिखना होगा बच्चों। ये बॉक्स में आपको ट्रेस नहीं करना है, बॉक्स में लिखना है नंबर, नाइसली राइटिंग में लिखेंगे 3। देखिए यहाँ भी बता रही हूँ, इस तरह घुमाएंगे 3। ओके, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ इस तरह, एक बार ऐसे घुमाएंगे, एक बार ऐसे 3।
थ्री, यहाँ भी बता रही हूँ लिख करके, थ्री थ्री, ओके। यहाँ देखिए फिंगर्स है, थ्री फिंगर्स है ना, इसको काउंट कीजिए, वन टू थ्री, थ्री फिंगर्स है, तो थ्री नंबर लिखे, थ्री फिंगर्स भी काउंट किए। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको स्माइली ड्रॉ करना है ना, यहाँ पर आपको देखिए स्माइली ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है, लुक एंड ड्रॉ थ्री स्माइलीज, है ना। यहाँ पर देखिए थ्री स्माइलीज को मैं बनाई हूँ, और कलर भी करना है स्माइलीज में, थ्री स्माइलीज को ड्रॉ करके एंड कलर। तो इसको आप इस तरह अपने बुक में थ्री स्माइलीज बना लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर बनाई हूँ, और बना करके इसको अपने से कोई भी कलर से स्माइलीज को कलर करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, आज मैं कलर करके आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप पहले भी कलर कर चुके हैं, ये नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम बता रही हूँ, तो आप यहाँ स्माइलीज को कलर करेंगे। नेक्स्ट प्रेस एंड राइट द नंबर केयरफुली, इसको भी यहाँ ट्रेस करना है, यहाँ थ्री पर है ना, तो इसको देखिए मैं पहले ट्रेस करके बता रही हूँ आपको, ये ट्रेस करना है इसी तरह, थ्री 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 लिखने के बाद बच्चों आप लोग थ्री का स्पेलिंग भी लर्न करेंगे, तो साथ साथ हो जाएगा ना, वो वर्ड्स भी उसका लर्न करना ज़रूरी है। थ्री थ्री, देखिए यहाँ भी बता रही हूँ, थ्री यहाँ भी देखिए, इस पर भी ट्रेस करना है पेंसिल, थ्री इसी तरह आप अपने बुक में ट्रेस करेंगे, और लिखते समय नंबर पर भी ध्यान देंगे कि कौन सा नंबर आप लिख रहे हैं ना, नंबर भी आपको पहचानना जरूरी है। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ ट्रेस करके बता रही हूँ, थ्री। अब ये बॉक्स में आप लिखेंगे, यहाँ एच डब्ल्यू मैं कर रही हूँ, ये बॉक्स में आप लिखेंगे, यहाँ भी आप वैसे ही लिखेंगे है ना, नंबर थ्री, सर्कल द ग्रुप ऑफ थ्री एंड राइट थ्री इन द बॉक्स गिवन। यहाँ आपको बॉक्स में दिया हुआ है पिक्चर, उसमें जो थ्री होगा उसको सर्कल करेंगे और बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन सा बॉक्स में ग्रुप में थ्री है, यहाँ वन टू थ्री यहाँ है, तो इसको क्या करेंगे, पहले सर्कल करेंगे, और बॉक्स में लिखेंगे थ्री। यहाँ देखिए यहाँ ओनली वन है, इसको नहीं करेंगे। अब यहाँ वन टू थ्री, तो इसको भी सर्कल कर देंगे इस तरह से, और यहाँ बॉक्स में थ्री लिखेंगे। ओके अंडरस्टैंड, फिर से देखिए,
ये दो ग्रुप में आपको थ्री पिक्चर है तो उसको आप सर्कल करके और बॉक्स में थ्री लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रेस एंड राइट द नंबर नेम। यहाँ देखिए थ्री लिखा हुआ है, THR EE 3 है ना, इस पर आपको पेंसिल ट्रेस करना है। तो देखिए ये बता रही हूँ मैं, ये लिखा हुआ है टी, डॉट्स बना हुआ है, तो इस पर पहले ट्रेस करेंगे। ये हो गया टी, यहाँ एच, ये स्मॉल एच हो गया, आर, डबल ई, ये सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है लेकिन ट्रेस करना है इसलिए आप ट्रेस करेंगे। थ्री, फिर देखिए यहाँ बता रही हूँ मैं, टी एच आर डबल ई 3। ओके, यहाँ भी देखिए ट्रेस करके बता रही हूँ, ये टी है, टी पर पेंसिल ट्रेस करना है, ये स्मॉल एच लिखा हुआ है, टी एच आर डबल ई 3। तो ये 3 का स्पेलिंग भी आपको लर्न करना है। ओके, यहाँ भी देखिए बता रही हूँ, लिखते समय आप बिल्कुल स्पेलिंग को लर्न जरूर से करेंगे बच्चों, क्योंकि स्पेलिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग को आगे वर्ड्स में भी लिखने को दिया जाता है, तो इस तरह आप स्पेलिंग भी साथ साथ लर्न करते चलेंगे। 3। ओके, अंडरस्टैंड, फिर से एक बार देख लीजिए आज आप लोग क्या पढ़े। 3 है ना, 3 लिखे बुक में, कलर भी ऊपर करना है, और यहाँ आपको होमवर्क भी दी हूँ। ओके चिल्ड्रेन, अब मैं आपको कॉपी में बताती हूँ कि कैसे आपको कॉपी में 3 लिखना है। देखिए ये मैथ्स की कॉपी है, इसमें लिखना है आपको, यहाँ देखिए ऊपर मैं लिखी हूँ ना 3, 3 का स्पेलिंग भी यहाँ लिखी हूँ, यहाँ आपको ऊपर 3 बॉल्स भी बनाई हूँ, काउंट कीजिए 1 2 3। ओके, और यहाँ आपको लर्न भी करना है और लिखना भी है, तो चलिए लिख के बताती हूँ कॉपी में कैसे लिखना है। लाइन को नीचे टच करते हुए लिखेंगे, है ना, यहाँ नीचे लाइन को टच करते हुए 3 लिखेंगे, इस तरह से ये लाइन में आके टच हो जाएगा 3। नीचे लाइन में आपको टच करना है, ठीक है, इस तरह से देखिए, इसलिए मैं कॉपी में लिख के बता रही हूँ 3 3। नीचे लाइन में टच करके लिखेंगे ना तो बहुत आपका नाइसली राइटिंग भी होगा और सही होगा, इस तरह आपको कॉपी में लिखना है। ओके, 3। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बॉक्स वाली कॉपी में बीच में लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है, नीचे लाइन को टच करते हुए लिखेंगे तो आपका सही होगा और नाइसली भी राइटिंग होगा, इस तरह आपको लिखना है कॉपी में। कॉपी में तो बहुत ही केयरफुली लिखना है बच्चों, 3, मैं इसलिए आपको लिख के बताती हूँ 3 3 3। यहाँ भी देखिए लिख रही हूँ 3 3 3 3। ओके चिल्ड्रन, यहाँ भी देखिए लिख रही हूँ 3 3 3। एक बार आप देखिए,
देख रहे हैं? आप अपनी कॉपी में इसी तरह थ्री लिखेंगे, नंबर थ्री, ठीक है? और लर्न करेंगे स्पेलिंग, ये भी मैं ऊपर आपको यहाँ एच डब्ल्यू लिख दे रही हूँ यहाँ पर, आप अपनी कॉपी में एच डब्ल्यू लिख के डेट डाल देंगे, ठीक है? तो ये आपका कॉपी में हो गया, और बुक में भी आपको देखिए यहाँ पर बुक में दी हूँ, तो कॉपी और बुक दोनों में आपको लिखना है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है? आज आप लोग थ्री लिखे, थ्री पढ़े, इसी तरह आप अपने बुक में भी लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।